हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसी स्टीटन साइप्रस लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा रॉयल सीसी वर्सेज लिमासोल कोलंड के बीच में। देखो भाई लोग, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना। अगर आप यहां से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाएंगे ना तो 110% आप ताबड़तोर प्रॉफिट करके जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको विनिंग टीम के बारे में बताई जाती है। और जैसे पिछले मैचों में हम लोगों ने ताबड़तोर प्रॉफिट किया है ना, आज के मैच में भी हम लोग ताबड़तोर प्रॉफिट करेंगे और अच्छा विन करके जाएंगे। तो आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। और जो भी बंदे यहाँ से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाते हैं, पूरा वीडियो को देख कर समझ कर जाते हैं, और वो जब टीम लगाते हैं तो उनका टीम जो है सबसे अलग बनता है और ताबड़तोर विन और ताबड़तोर प्रॉफिट करके उसकी टीम लाती है। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं भाई कि आपको अपनी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो परफेक्ट लॉजिकल आपके लिए काम करने वाले हैं और वो टीम आपके लिए बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपनी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन वो कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, हम आपको यहाँ पर बताते हैं भाई कि आप अपने टीम को कैसे बनाएंगे और कैप्टन, वाइस कैप्टन के साथ साथ कितने खिलाड़ियों कॉम्बिनेशन करना है जिससे कि अपना टीम बेहतरीन परफॉर्म कर सके। हम आपको यहाँ पर बताते हैं 8 से 9 खिलाड़ी के बारे में जो अच्छे परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म नहीं करते भाई। इसमें आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है भाई लोग, हम आपको यहाँ पर बताते हैं ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, मगर उसे अपने टीम में अगर यूज करेंगे तो आपका टीम जो है बेहतरीन परफॉर्म करके देने वाला है। ठीक है भाई लोग, देखो भाई लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे जितने बंदे जुड़े हुए हैं सभी बंदे अच्छे प्रॉफिट करके जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको विनिंग टीम मिलती है भाई। ऐसी टीम मिलती है जो आपके लिए विनिंग करके दे, और जितने भी अपडेट होती है टीम के साथ साथ सारा अपडेट हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। और भाई यहां पर हम आपको बताते हैं कि कौन से प्लेयर कितने नंबर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं और कौन से खिलाड़ी कितने नंबर बैटिंग करने के लिए बॉलिंग करने के लिए आएंगे, सारा अपडेट हम आपको यहां पर देते रहते हैं जिससे कि आपको फायदा होने वाला है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आ जाइए और टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए अब बात करते हैं साइप्रस टी10 का जो मैच खेला जाएगा आरओवाई वर्सेस एलक्यू। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे भाई कि मैच कहां पे खेला जाएगा और पिच का बिहेव कैसा रहता है, बैट्समैन को सपोर्ट करेगा या फिर बॉलर को सपोर्ट करेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ साथ आप कितने खिलाड़ी कॉम्बिनेशन करके चल सकते हैं, किस तरह से आप अपना टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि पिच का बिहेव कैसा रहता है और ये मैच कहां पे खेला जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम अच्छा से बना सकते हैं। तो मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा लिमासोल के ग्राउंड पर। ठीक है भाई लोग, और इसका जो पिच रहेगा तो वो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाला है और गुड फॉर पेसर के लिए काम करने वाला है। यहाँ पर आपको पेसर काम करने वाले और यहाँ पर देखेंगे कि इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, आज अपनी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी को करके चल सकते हैं, क्योंकि भाई कैप्टन, वाइस कैप्टन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और वो खिलाड़ी आपके लिए अच्छे प्रॉफिट करके देंगे। तो यहाँ पर टोटल हम आपको 4 खिलाड़ी देंगे कैप्टन, वाइस कैप्टन यूज़ करने के लिए, और वो यूज़ कैसे करना है वो देख लो। आपको क्या करना है ना, टीम 1 में आपको जाना है यू शाह के साथ और के सिंह के साथ, ये 2 खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन कर लीजिएगा टीम 1 में। टीम 2 में आपको क्या करना है, टी कुमार को और एस सनोज को, ये दोनों खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन करना है। ये आपके लिए मोस्ट सुटेबल खिलाड़ी होने वाले हैं कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए। अब हमने आपको यहाँ पे 4 खिलाड़ी दिया, इनका जाकर रिकॉर्ड चेक कर लो या फिर आप एनालिसिस देख लो तो आपको मालूम होगा कि ये खिलाड़ी आपके लिए आज के मैच में भी ताबड़तोर प्रॉफिट करेंगे, जैसे रिसेंट मैच में इन्होंने ताबड़तोर प्रॉफिट करके दिया है। ठीक है भाई लोग, चलिए अब बात करते हैं ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा भाई, लेकिन हम आपको बताते हैं उस खिलाड़ी को यूज़ करने के लिए। अगर आप उसे अपने टीम में परफेक्ट तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर आपका टीम जो है बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट करके देने वाला है, क्योंकि सभी का ध्यान जो रहने वाला है वो रहने वाला है हाईएस्ट सिलेक्शन पर, और लोएस्ट सिलेक्शन पर बहुत कम खिलाड़ी का ध्यान रहेगा। और जो भी खिलाड़ी उस खिलाड़ी को यूज़ करेंगे तो फिर उनका टीम जो है बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक है ना भाई लोग, बहुत अच्छा बन के जाएगा और यकीन मानिए उनका टीम जो है यहाँ पर प्रॉफिट करके देने वाला है, ना कि आप लॉस में जाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको टोटल 5 खिलाड़ी देने वाले हैं, कैसे यूज़ करना है वो देख लो। टीम 1 में आपको क्या करना है, आर बेल को और फी कुमार को और यहाँ पर एच भट्ट को, ये 3 खिलाड़ी को ना अपने टीम में रख लो भाई लोग एज अ पंटर के लिए। ठीक है, एज अ पंटर के लिए इसे यूज़ करना है। दूसरे टीम में आपको क्या करना है, एम हमजा को और यहाँ पर एम रोकी को, ये 2 खिलाड़ी को अपने टीम में आज के मैच में एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ करना है भाई, ट्रम्प कार्ड आपके लिए काम आने वाले हैं। और यहाँ पर 5 में से आप ये 4 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना लेकिन 4 खिलाड़ी को लेकर के चलना, क्योंकि ये जो 4 खिलाड़ी होंगे आज के मैच में गेम चेंजर होने वाले हैं और ये ड्रीम टीम देकर के जाने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको अपना टीम कैसे बनाना है और किस खिलाड़ी को लेकर
लेकर के चलना है, कौन से खिलाड़ी आपके लिए बेहतरीन परफॉर्म करके दे सकते हैं, जिस खिलाड़ी को अपने टीम में यूज करेंगे तो वो खिलाड़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा करके देने वाले हैं, और यकीनन उस खिलाड़ी को अगर अपने टीम में यूज करते हैं ना तो फिर आपका टीम जो है ताबड़तोड़ प्रॉफिट भी करके देने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो कॉम्बिनेशन यूज किया वो किया हुआ है 7-4 का कॉम्बिनेशन अपनी टीम में, जिसमें से विकेट कीपर के तौर पर 2 विकेट कीपर यूज किए, 1 विकेट कीपर यूज किया एन मुनीर को, और बैटर में 2 बैटर मेरे टीम में होने वाले हैं यूसा एम कासिम, और ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर 4 ऑलराउंडर यूज किया है, एस अहमद को, एस पटेल को, एस सिंह को और लवर प्रीत को मेरे टीम में होने वाले हैं। बॉलर में हमने यहाँ पर 4 बॉलर यूज किया है, टी कुमार को, एम हमजा को, के सिंह और यहाँ पर एस सोनज मेरे टीम में होने वाले हैं। इसमें से कैप्टन के तौर पर हमने यहाँ पर एस सिंह को और वाइस कैप्टन एस अहमद को बना के रखा हुआ है। देखो भाई लोग ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे, आप हमें टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।